लॉकडाउन की घोषणा के बाद जो मजदूर जिस प्रदेशों में रह रहा है वहां फंस गया है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवेदन पर भारत सरकार ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद सहित अन्य प्रमुख शहरों से ट्रेन चलाने की घोषणा के साथ मजदूरों को भेजने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसी क्रम में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सुबह से 7 ट्रेनों को आने की सूचना थी, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से एक ट्रेन स्थगित कर दी गई थी। फिर भी 6 ट्रेनें देर शाम तक पहुंचती रहीं। इस संबंध में एडीएम सिटी राकेश वास्तव ने बताया कि ट्रेनों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। जीआरपी, आरपीएफ सहित यूपीपी की पुलिस फोर्स के साथ राजस्व विभाग के कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को उनको गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यात्रा के दौरान उन्हें लंच पैकेट, बिस्किट, पानी आदि भी दिया जा रहा है। वहीं सभी बसों में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए कम से कम लोगों को बैठाकर बसों को रवाना किया जा रहा है। साथ ही ड्यूटी पर लगे पुलिस प्रशासन के लोगों से भी अपील किया जा रहा है कि अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश श्रीवास्तव ने कहा, मेडिकल टीम द्वारा चेकिंग की जा रही है बनी है। कोच संख्या नोट कराना सुनिश्चित। Thank you.
आई है, ये सूरत से आई है और इसमें लगभग 1100 से 1175 के बीच में यात्री है और सब सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ट्रेन में बैठकर आ रहे हैं। यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म पर भी उनके गोलों में खड़ा करके उनकी जांच करके स्कैनिंग करके और उनका सारा डिटेल लेके नाम पता पिता का नाम कहाँ से आए कहाँ जा रहे हैं क्या काम करते थे सूरत में उनका आधार कार्ड नंबर क्या है ये सब डिटेल लेके उनको एक एक बस में 25 से 26 के रेंज में सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाकर भेजा जा रहा है उनके गंतव्य डिस्ट्रिक्ट्स तक। विशेष सावधानियां ये बरती जा रही हैं कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को पानी और जो भी हम लोग रिफ्रेशमेंट दे सकते हैं वो दे रहे हैं और उनको सुविधा के अनुसार उनकी रूट की बसों के हिसाब से बैठाकर उनको भेज रहे हैं।